हाय एक्वेरियस, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। मैं हूँ एनिग्मा। आज हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर के मैसेजेस। देखते हैं क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरली लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल के थ्रू। और प्रेयर्स भी करती हूँ मैं, मेरे पास क्रिस्टल्स हैं 100% प्योर एंड प्रेयर्स वाइट एंड स्पिरिचुअल। आप उसके लिए डिटेल्स इंस्टाग्राम पे भी गैदर कर सकते हो। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियोस बना सकूं मैं आप लोगों के लिए। सन मून राइजिंग या वीनस साइन इन एक्वेरियस क्रॉस वॉचर्स देख सकते हैं इस रीडिंग को। लेट्स सी द मैसेजेस। एक्वेरियस एस ऑफ सोर्ड्स, द एस ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ वांड्स। वाओ, Temperance, Seven of Wands, Knight of Cups. Okay. Aquarius, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में डबल न्यू बिगिनिंग आने वाला है, डबल धमाका होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, डबल ब्लास्ट। मुझे लग रहा है आपकी सोशल लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक यू गाइज रेजिंग अ टोस्ट और समथिंग। आपने कुछ अचीव किया है, उस अचीवमेंट की आपको खुशी है और वो खुशी बांट रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ज्वाइन इन कर रहे हो, खुश हो रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, बहुत फन कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका पार्टनर आपको और ज़्यादा प्यार दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है, कोई नए पर्सन आपकी तरफ बहुत यू नो अग्रेसिवली मूव ले रहे हैं, आपकी तरफ तेजी से आ रहे हैं, बहुत श्योरिटी से कि आप ही हो, जो भी हो, सब कुछ हो, बहुत स्ट्रांग इमोशंस के साथ कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और एक कनेक्शन बनने वाला है। गेट रेडी। यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, काफ़ी कामिंग वाटर्स पे आ गए हो, काफ़ी रिलैक्स्ड हो, काफ़ी हैप्पी हो, प्राउड हो। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सब बैलेंस हो गई है। काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी बहुत देर देर तक गिव अप ना करने के बाद आपको फाइनली एक ऐसी न्यू बिगिनिंग आई है कि डबल न्यू बिगिनिंग आई है, डबल धमाका हुआ है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट हुआ है, दो बार मतलब कि ट्वाइस, बहुत ही धमाकेदार यू नो ब्रेक थ्रू हुआ आपकी लाइफ में। इतनी खुशी आपको हो रही है कि क्या बताऊं, बट उसके साथ साथ आपने बहुत मेहनत भी किया, तो आप खुद को यू नो प्राउड फील करते हो, ऐसा फील करते हो कि ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरी अचीवमेंट है और मेरी ही अचीवमेंट है। कुछ लोग के केस में पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर हो सकते हैं, सैजिटेरियस, एरीज या लियो हो सकते हैं, लेकिन बहुत तेजी से कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, बहुत पैशनेटली कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे डिजायर बहुत है आपसे बात करने का। ये पर्सन कांट वेट, ये वेट नहीं कर सकते हैं, इनको बस ये है कि मेरे हाथ से ना छूट जाए। इनको ये भी लगता है कि बहुत बार इन्होंने कोशिश की आपको प्रपोज करने की, आप तक पहुँचाने की अपने दिल की बात, बट पहुँच नहीं पाई। बट अब फाइनली एक टाइम आ गया है जहाँ पे ये पर्सन आपको खोने का डर रहेगा, इनको इसलिए आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स क्लियरली, क्योंकि शायद जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या होने वाले हो, ये पर्सन ने किसी को खोया है रिसेंटली, दे हैव लॉस्ट समवन। उस चीज़ का फियर इनके मन में बैठ गया, तो जो भी इनको चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ को लूज़ नहीं कर सकते। तो आप इनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही स्पेशल हो। और ये आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। तो सिर्फ आपका करियर ही नहीं चेंज हो रहा, आपके लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है। ये पर्सन जो है ना, ये आपके करियर से हो सकते हैं, शायद आपके इनके काफ़ी झगड़े हुए हैं और इवेंचुअली अब इनका मन है कि आप ही के साथ रहें, क्योंकि इनको फीलिंग्स आ गई हैं आपके लिए, झगड़ते 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 प्यार हो गया, ऐसा कुछ हुआ है। तो इन्होंने बहुत यू नो अपने आप को कंट्रोल किया है, ये कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, क्योंकि कुछ हुआ था इनके साथ जिससे ये बहुत ही हार्ड हो गए, स्टोन जैसे कोल्ड हो गए, नेगेटिव हो गए रिलेशनशिप के मामले में। बट आपके आने के बाद इनका मन सॉफ्ट हो गया, काम हो गया, पसंद करने लगे हैं आपको, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, लिब्रा पर्सन हो सकते हैं।
काफी देर से कोशिश कर रहे थे आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, रेजिस्ट कर लेते थे कि नहीं यार, शायद ये चीज़ मेरे लिए मेरे को फील हो रही है, बट मे बी इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। बट अब इनका मन है कि ये सेटल डाउन करे, आपसे बात करे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक प्रॉमिसिंग ऑफर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। जैसे इनके साथ पहले कुछ हुआ, वो चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अंदर बैठ गई है कि इनको ये डर है कि आपके साथ वो चीज़ दोबारा ना हो जाए, उससे उसके जैसा कुछ ना हो जाए। इसीलिए पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिफ है अपनी लाइफ में। आपको देखते इनको, इनका हार्ट मेल्ट हो जाता है, बहुत स्पेशल फील करते हैं आपको लेकर। यहाँ पे अक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि करियर में ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गिव अप नहीं करना लास्ट मोमेंट तक, बट आपको सक्सेस स्लोली और आराम से, पेशेंटली मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप नॉलेज भी गेन करेंगे, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी लॉजिकल, आपको लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, मानते हैं, तो आपकी वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा उभर के आएगी। और लव लाइफ थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप हिडन रखोगे, आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे, बहुतों को पता नहीं होगा कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, बहुत फन और एक्साइटिंग टाइम है ये आपका आने वाला जो है। यस, जैसे कि मैंने आपको कहा था, रेजिंग द टोस्ट, आपकी कोई बिग अचीवमेंट को लेकर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आपके लिए अप्लॉड कर रहे हैं, आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है। थ्री ऑफ कप्स में यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप में आ सकते हो, कोई टीम वर्क कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत लकी और बेनिफिशियल साबित होगा। आपके जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, उनके साथ आप हो सकता है कॉफ़ी पे जाओ, डेट पे जाओ, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, तो ये फ्रेंडशिप डिवेलप हो रही है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन का रोल ख़त्म हो रहा है फाइनली, अब आप गिव अप कर रहे हो, जो पर्सन ने आपको परेशान किया, आपको रोक के रखा, आप उनको लेट गो कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में नए पर्सन आ गए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। मैरिज की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, फादर के साथ कनेक्शन और अच्छा हो रहा है यहाँ पे, और बॉस के साथ या तो आपका कनेक्शन और अच्छा हो रहा है, बट समहाउ मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस, एक लीडरशिप पोजिशन, एक क्वालिटी आपके अंदर आएगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब बहुत अच्छी होंगी। कुछ लोगों के केस में तो मुझे मेजर प्रमोशन दिखाई दे रही है, मेजर प्रमोशन, आपकी टॉप पोजीशन हाइक। स्कॉर्पियो या एरीज या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके आसपास, एक्वेरियस लिब्रा। ठीक है जी, सो अब टाइम है सेलिब्रेट करने का, पार्टी करने का, एंजॉय करने का, हर तरह हर जगह से बस गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट अक्वेरियस, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कम बैक फॉर मोर, सी यू बैक अगेन, बाय।